क्या कर रहे हो तुम लोग? नीचे उतरो, रिदा नीचे आओ। अरे क्या हो गया फार्म भाई, इतना मजा आ रहा है राइडिंग में? अरे नहीं ना, तुम पिछली बार भी गिर गई थी घोड़े से। अरे तो क्या हुआ, तब तो मैं छोटी थी ना। अरे यार तुम अभी भी छोटी हो मेरे लिए, प्लीज नीचे उतर आओ। अरे भाई रहने दीजिए, हॉर्स राइडिंग कर रही है, स्ट्रॉन्ग होने दे उसे। यार तुम्हें नहीं पता वो डेंजरस काम है। मैं हूं ना, नहीं गिरेगी यार, आपको टेंशन तुम हो, इसी बात का टेंशन है मुझे, इसी बात का डर है। पता है तुम कोई शरारत ना कर दो। रिदा तुम नीचे आओ प्लीज। नहीं फार्म भाई, नहीं, नो नो नो, फार्म से बैठने दीजिए ना, उसको शौक है, बच्ची थोड़ी ना है वो। अच्छा ठीक है, लेकिन फिर शर्त ये है कि मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हारे साथ चलूंगा। चलो आओ, चल चलो चले। अरे आओ समीरा। कॉफी? थैंक यू भाई। यू आर मोस्ट वेलकम। और जी ये बताओ कि कैसी जा रही है आपकी तैयारी? पास तो हो जाओगी ना? उम्मीद तो है वैसे। ओके लवली। यार एक बात बताओ, वो रिदा की कॉल आई? नहीं तो? तो उसने कॉल करके ये नहीं बताया कि वो नोट्स या बुक्स मिल गई उसे? मिल गए होंगे भाई, तभी तो उसने कॉल नहीं की। हाँ तो कॉल करो ना उसे। वो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैंने मेड को नोट्स दिए थे ना, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो मिसप्लेस हो गए हो। मैं नहीं चाहता किसी की तैयारी खराब हो, यू नो। ठीक कह रहे हैं, वैसे पूछ लेती हूँ। रिदा का नंबर तो ऑफ जा रहा है। अब तो उसके घर पे कॉल करूँ ना? हाँ अस्सलामुअलैकुम जाहिदा आपा, प्लीज मेरी रिदा से बात करवा दें। अच्छा, वो मैंने कुछ बुक्स और नोट्स भिजवाए थे भाई के हाथ, आपने उसे दे दिए थे? अच्छा चलें ठीक है, बस मुझे यही पता करना था। रिदा आए तो उसे बता दीजिएगा कि मैंने कॉल की थी। अल्लाह हाफिज़। क्या हुआ? लो भाई, रिदा साहिबा तो अपने भाइयों के साथ घूमने के लिए गई हुई हैं। आज कैसा लगा? ख्वाब, एक हसीन ख्वाब। बस इस पे यकीन करने की कोशिश कर रही हूँ कि वहाँ मैं सारी जिंदगी ऐसे ही खुश रहूंगी। मुझे इतना पसंद है आपके साथ, आपकी फैमिली के साथ, मुझे बहुत खुशी होती है वहाँ। मैं यही चाहता हूँ कि तुम हमेशा इसे अपनी फैमिली समझो। शमीला, मम्मी जी ने ये सारी जिंदगी लगाकर हम सबको इकट्ठे रखा। हम सब एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, इसमें चाहता हूँ कि ये मोहब्बत सारी जिंदगी कायम रहे। मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। क्यों, आपको मुझ पर यकीन नहीं है? अगर सच कहूँ तो मुझे तुम पर अपने आप से ज्यादा यकीन। मैं जानता हूँ कि तुम मेरे खानदान का बहुत ख्याल रखोगी, खास तौर पर रिदा का। हाँ सबका ही ख्याल रखूंगी, पर सिर्फ रिदा का ही क्यों? शमीला मैं रिदा से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, इतना ज्यादा कि खुद भी नहीं जानती। उसकी एक परेशानी मेरी रातों की नींद उड़ा देती। मेरा बस चले तो मैं बस। जानती हूँ फहम, जानती हूँ आप रिदा से बहुत मोहब्बत करते हैं। वो है ही इतनी प्यारी, इतनी मासूम कि उससे दिल करता है प्यार करने का, उसका ख्याल रखने का।
आपने बिल्कुल फिक्र नहीं करनी, मैं हूँ ना, मैं रिदा का और बाकी सब का भी बहुत ख्याल रखूंगी। अच्छा खैर, मैं खेलने के लिए जा रहा हूँ, तुम भी आ जाओ। अरे वहां खेलना क्या, बस मेरी शादी के बाद तो मॉम बिल्कुल अकेली रह जाएंगी। प्लीज आप भी शादी कर लें। ठीक है फिर कर लेते हैं शादी, लेकिन तुम्हें कोशिश करनी पड़ेगी। कैसी कोशिश? वो ये कि तुम्हें ना मेरे लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढनी है। अच्छी सी लड़की? अब देखें, आपको मेरे जैसी अच्छी लड़की तो मिलने से रही, तो ढूंढती हूँ। तुम ना मुझे माफ करो, मुझे तुम्हारी जैसी लड़की नहीं चाहिए। मुझे ना एक एक इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअल, स्मार्ट लड़की चाहिए जो मुझे इंप्रेस करे। इंटेलिजेंट? इंटेलिजेंट तो फिर हृदय, अभी तो आपने कहा। एक सेकंड भाई, फराज की कॉल है। कर लो बात। हेलो, आ जाओ भाई आ जाओ, अब बताऊंगा मैं तुम लोगों को। जी अस्सलाम वालेकुम अम्मी जी। जी 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 भाई, जी अम्मी बीच पे आए। नहीं नहीं, हमें देर हो जाएगी। हाँ ये रिदा से बात करें, लंबी बात मत करना, गेम चल रही है। हाँ मामा अस्सलाम वालेकुम, बहुत मजा आ रहा है, बहुत हम एंजॉय कर रहे हैं। नहीं मामा बिल्कुल सब ठीक है। हाँ अभी खा लेंगे खाना। अच्छा हम थोड़ी देर से आएंगे, ठीक है ना? अच्छा ओके, बाय 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 भाई। रहना बहुत अच्छा किया जो तुम आज आ गई, और आज हम दोनों बहनों ने दिल की खूब बातें की। हाँ पापा, आज लगता है जैसे दिल पर परसों से छाया हुआ गुबार छट सा गया हो। मुझे तो नहीं पता था इस बात का कि सलमान और नायला का रवैया शमीला के साथ इतना बुरा है, और ये कि सलमान की आमदनी भी बहुत अच्छी नहीं है। आपा मैं तो आज भी आपसे कोई बात नहीं करती, पता नहीं सब कुछ कैसे कह दिया। आपके सिवाय मेरा है ही कौन? पागल हो गई हो तुम? माँ बाप के बाद इंसान अपना दुख सुख अपने बहन भाइयों के साथ ही शेयर करता है ना, और किससे शेयर कर सकता है? बहन भाई भी तो एहसास करने वाले हों तो फिर रहना आपा। पता नहीं सलमान के दिल में नायला ने शमीला के खिलाफ क्या भर दिया है कि उसे पूछता ही नहीं है, और अब तो वो मुझे भी नहीं पूछता है। पता नहीं आपा उसे क्या हो गया, उखड़ा उखड़ा सा रहता है। अच्छा चलो तुम परेशान मत हो, मैं फार्म से बात करती हूँ, बहुत जल्द शमीला को रुखसत करके अपने घर ले आएंगे। आप कितनी अच्छी हैं, बगैर कहे दिल की सब बातें समझ आती हैं। तुम्हारी बड़ी बहन हूँ ना इसलिए। क्या बात है, आज तो बहुत ही अच्छा मूड है। भाई आज घर में कितना सुकून है, कितना मजा आ रहा है ना, क्योंकि मेरी बहन घर पे नहीं है ना। ऐसी बात नहीं है। तो और क्या बात? हर औरत चाहती है कि उसका घर हो, उसका शौहर उसमें रहे, वो खुद रहे, उसके बच्चे हो। बच्चे? क्या मतलब बच्चे? बच्चे होंगे भाई, अभी 2 साल ही तो है सिर्फ हमारी शादी को, और डॉक्टर ने कहा है कि सब कुछ ठीक है। ये जो तुम्हारी बहन मुझसे चिक चिक करती रहती है ना, सब वही टेंशन है। हाँ अरे फिक्र मत करो, अब तो बस वो कुछ दिनों की मेहमान है हमारे घर में। मतलब लोन अप्रूव हो गया? अरे भाई जिस दिन होना उसी दिन उसकी डेट फिक्स कर देना। हाँ अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम अम्मी, आप अकेली? हाँ मैं ड्राइवर के साथ आई हूँ, शमीला और बच्चे सब घूमने के लिए गए हुए थे। अच्छा खाला जान का घर कितना अच्छा है ना,
सब लोग कितना एंजॉय करते हैं। एक हमारा घर है यहाँ पे। आप दबे लफ्जों में शमीला की रुखसती की बात कर रही थी। जब तक लोन अप्रूव नहीं हो जाता मैं किस तरह शादी की डेट फिक्स कर सकती हूँ? हाथ में कुछ चार पैसे होंगे तो बात करूंगी ना। अम्मी इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आपको पता है बस लोन अप्रूव होने ही वाला है, बताए ना, बताओ। अच्छा जी जी अम्मा, कुछ दिनों में हो जाएगा। सच? बस आप तो शादी की तैयारियां शुरू कर दें। और इसी बात पे मैं सबके लिए चाय बना के लाती हूँ, आप लोग बैठे, मैं जल्दी से आई। शोक लगती हो रह के भी ज्यादा, ले जाएंगे तुझको उठा के तेरे बिना लागे आपकी बारी है ना। आई थिंक दीपेश शायद। ओफो हम उर्दू में खेले, अलिफ था। पीपल पीपल प्रेजेंटिंग यू द ग्रूम एंड right to be yeah are come on the dance floor are dance mujhe yeah are kya kar rahe ho are aankh se bachke भाई एक पराठा मुझे भी दो। हाँ जी ये लीजिए। थैंक यू। वैसे आसिम मुझे पहेलियाँ बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे पहेलियाँ भी पसंद है और सहेलियाँ भी पसंद है। जी बेटा इसलिए जो तुम सारे मजाक और बातें करते हो ना तुम्हारी सहेलियों ने सिखाई है। ऑफ कोर्स आपको तो पता है मैं कितना मासूम हूँ। अच्छा एक सेकेंड ना भाई, अब आप दोनों की शादी होनी चाहिए। क्या कहते हैं घर में फंक्शन होगा, हंगामा होगा, अल्लाह गुल्ला करेंगे, क्या कहते हैं? Yes, अम्मी जी से बात करनी चाहिए ना। मैं क्या कहते हैं? हाँ। Yes. अब तो दिल में लड्डू फूट रहे होंगे ना। लड्डू तो तब फूटेंगे जब तुम्हारी शादी भी मेरी शादी के साथ होगी। अरे मेरी शादी का जिक्र कहाँ से आ गया? मुझे भी शादी वादी नहीं करनी, मुझे तो पढ़ना है। होने के तो कुछ भी हो सकता है। अगर ऐसा है तो फिर मेरी शादी करा दे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम कूल विद दैट। ओके Excuse me. मैं कहाँ गया? आप अमेरिका। He's a genius person. रिदा, तुम क्यों नहीं कुछ खा रही हो? भाई इतना सारा कैसे खाऊं, खा तो रही हूँ। जल्दी जल्दी खा लो, देर हो गई। काला का फोन आ रहा है। ओह, अस्सलाम वालेकुम काला। जी जी हमारे साथ ही हैं, हम बस आ रहे हैं थोड़ी देर में। जी हाँ बस मेरा ख्याल है आधे घंटे। अल्लाह हाफिज़। खाला का फोन था, वो कह रही है देर हो गई, जल्दी से आ जाओ। हाँ काफी देर हो गई, बस निकलते हैं। डांट पड़ने वाली है। मजा आया ना? हाँ लेकिन थकावट हो गई है, बस चलते हैं ना सीधा, आप घर ही जाना है। बिल्कुल चलते हैं भाई। भाई आप पहले हमें छोड़ दें फिर आप भाभी को छोड़ देना। क्यों एक साथ ही तो जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रही है ना रिदा, पहले आप हमें छोड़ेंगे फिर आप चले जाएगा छोड़। अरे यार उसकी क्या जरूरत है, मैं तुम लोगों को पहले ड्रॉप करूँ क्या? क्या नहीं नहीं जरूरत है, पहले हमें हम छोड़ देते हैं, क्या हो गया? हाँ हाँ बिल्कुल भाई बिल्कुल। नई शरारत मत शुरू करो, चलो चलो अभी चलते हैं, रास्ते में डिसाइड करते हैं। चलो हड्डी हड्डी नहीं बनना चाहते। अच्छा चलो हड्डी, चलो हड्डी, हम हड्डी हैं। बिला मजा तो हड्डी है। पिकनिक के लिए, एक दिन में ढेर सारी खुशियां देने के लिए। थैंक यू। किस लिए? हम फैमिली हैं अब, और वैसे भी आगे आने वाले वक्त में जो कुछ भी होगा अब सब इकट्ठे ही होगा। अच्छा आइए ना अंदर आए, अपने हाथ की मज़ेदार चाय पिलाती हूँ आपको। नहीं बहुत लेट हो गया,
वैसे भी पूरा दिन बहुत हेक्टिक था, तुम भी थक गई होगी, मैं भी थक गया हूँ, बस अब घर जाऊँगा। थक तो वाकई बहुत गए हैं। चले सही, आप जाएं, अपना ख्याल रखें, आराम कीजिए, मैं चलती हूँ। सुनो, तुमसे एक बात करनी थी। क्या फहम? तुम्हारे लिए हेयरिंग्स? पर फहम, ये किस खुशी में? कोई भी तोहफा देने के लिए किसी ओकेजन का होना तो जरूरी नहीं है, बस वो चीज अच्छी लगनी चाहिए जिसको देखकर आपको किसी का ख्याल आ जाए। मैं रिदा के लिए शॉपिंग कर रहा था, अचानक इन इयररिंग्स पे नजर पड़ी तो मुझे तुम्हें याद आ गई। मुझे लगा तुम पहनोगी तो तुम पे बहुत जचेंगे। फहम बहुत खूबसूरत है और मजे की बात ब्लैक में है। पहन के नहीं दिखाओगी? अभी अभी फहम, आप भी ना जिद्दी हैं। ये देखिए, लग रहे हैं ना आप खूबसूरत? अब इतने अच्छे नहीं लग रहे। मुझे लगता है तुम्हारी खूबसूरती के आगे, तुम्हारी खूबसूरती के आगे इनकी चमक मांद पड़ गई। हाँ हाँ बीना। रिदा 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 रिदा, मैं तंग आ गई रिदा से, हर किसी की जुबान पे रिदा। आखिर हुआ क्या है? पिकनिक पे तुम अच्छी भली खुशी खुशी गई थी, अब क्या हो गया? तुमने रिदा से क्यों पैर बांध लिया है? मैंने जानबूझकर उससे बैर नहीं बांधा। हक तल्फी होती है अम्मी जान मेरी उसकी वजह से, और एक फहम है उसके साथ ऐसे चोचले करती है जैसे वो आसमान से उतरी हुई हो। अरे बेटा, रिदा उसकी बहन है, उसने उसे गोदों में खिलाया है। बस कर दे अम्मी, खलौती बहन है। एक मेरा भाई है जिसने इतना किया, इसका आधा भी कभी मुझसे प्यार नहीं किया होगा। ऐसा नहीं है, वो भी तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन बस इजहार नहीं कर सकता। बच्ची नहीं हूँ मैं, बच्ची नहीं हूँ। कैसे इसे उन तीनों भाइयों ने रिदा को अपनी हथेली का छाला बना के रखा हुआ है, और एक मेरा भाई है झूठे मुंह मेरा हाल भी नहीं पूछता, पूछता भी नहीं है कि कैसी हूँ। देखो बेटा, तुम रिदा से मुकाबला मत किया करो, हर इंसान की अपनी अपनी किस्मत होती है। और बेटा, तुम इतनी नफरतें मत पालो, तुमने उस घर में ब्याह कर जाना है, इतनी नफरतें पालोगी तो कैसे वहाँ गुजारा करोगी? मैं हर बात किस्मत पर नहीं ढालते, रवैये भी कोई चीज होती है। मान लीजिए कि मेरा भाई मुझे अहमियत नहीं देता, ताकि भाई कैसे वारी सबके जाते हैं उसके, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। और अगर आप कहती हैं ये किस्मत है ना, मेरी तो फिर बहुत ही बुरी किस्मत है। तुम्हारी किस्मत भी बहुत अच्छी है, और जिस घर में तुम ब्याह कर जा रही हो ना, बहुत अच्छे लोग हैं, फहम भी तुम्हें बहुत प्यार करता है बेटा। बस एक फहम की वजह से मुझे मेरी जिंदगी प्यारी लगती, नहीं तो मुझसे और कोई प्यार नहीं करता। अच्छा बस ज्यादा मत सोचा करो, अल्लाह से अच्छे की दुआ किया करो, सब ठीक हो जाएगा। आप इंतहाई इर्रेस्पॉन्सिबल और केयरलेस पर्सन है। जॉब करने के भी कुछ एथिक्स होते हैं, कुछ मैनर्स होते हैं। सर आई एम रियली सॉरी, वो दरअसल मेरी वालदा की तबीयत ठीक नहीं थी सर। ऑल लेम एक्सक्यूजेस, आई डोंट एक्सेप्ट इट। क्या मतलब सर? आपको ये लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ आपसे? जो शख्स अपनी जॉब के साथ ऑनेस्ट ना हो, उससे कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। वो सर, जो शख्स किसी की मजबूरी समझे बगैर खुद ही अज्यूम करके दूसरे पे इल्जाम लगाए, उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? क्या तुम मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हैं? सर अगर आप किसी दूसरे को स्पेस नहीं देंगे तो दूसरा भी आपको नहीं देगा। यू गेट लॉस्ट, मैं अब तुम्हें यहाँ एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। सर मेरे लिए मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट से ज्यादा और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं, और आप क्या निकालेंगे मुझे? सर मैं खुद ही नौकरी छोड़ के जा रहा हूँ। ज़शान एक मिनट रुको। सर ज़शान जो कह रहा है सच कह रहा है। मैंने भी बहुत बार ज़शान को कॉल्स की लेकिन इसने मेरी कॉल रिसीव नहीं की, तो मजबूरन मुझे ज़शान के घर जाना। जब वहां गया तो ज़शान के घर पे ताला लगा हुआ था, नेबर से बात हुई, उन्होंने बताया कि ज़शान इमरजेंसी में अपनी वालदा को हॉस्पिटल लेके गया।
सर सर, ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, अगर इसे टाइम पे क्लियर ना करें तो और कॉम्प्लिकेटेड होती जाती है। सुशांत सच कह रहा है। ओह, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि जिशांत की वालदा बीमार है। नहीं सर, आप प्लीज सॉरी मत कहिए। आई एम सॉरी, मुझे इस बात का अंदाजा है। मैं एडमिट करता हूँ कि बाजी की तबीयत की वजह से मैं ये जो भी डिले हुआ उनकी तबीयत की वजह से हुआ, लेकिन सर इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि मैं डिसऑनेस्ट हूँ, इरेस्पॉन्सिबल हूँ। सर केयरलेस तो हरगिज नहीं हूँ मैं, बस कभी कभी ऐसा होता है सर कि हालात आपके बस में नहीं रहते। ठीक है, आप अपनी सीट पर जाएं और काम मुकम्मल करें। सर काम तो मुकम्मल कर लिया था मैंने। माँ जी को अस्पताल से जब घर लेके आया तो पूरी रात सोया नहीं मैं सर, मैं काम ही कर रहा था। फाइल मुकम्मल है, मैं ला के दिखाता हूँ सर आपको। थैंक यू। सर फाइनली ये मसला हल हो गया। सुशांत इज ऑनेस्ट एंड अ वेरी नाइस गाय सर। रिदा बिटिया जल्दी उठो, सुबह हो गई है, अम्मा बुला रही है, जल्दी से जाओ। शाबाश। क्या ज्यादा पत्ती देर से सही है, मैं सारी रात पढ़ती रही हूँ, क्यों उठा रही हूँ जल्दी? कॉफी पिला दो। कॉफी क्यों, नाश्ते का वक्त है, नाश्ता बनाती हूँ, आप जल्दी से जाके अपनी अम्मा से मिलिए। चलिए शाबाश। क्यों बुला रही इतनी सुबह से? मुझे क्या पता, जल्दी से उठो शाबाश, उठ जा मेरा बच्चा, उठ जा उठ जा। अच्छा ना उठती हूँ, फ्रेश होकर आ रही हूँ। जिशान सर आइए प्लीज, बैठिए सर। थैंक यू। बैठो भाई जी। थैंक यू वेरी मच सर। किस लिए? सर वो जो कुछ वहाँ हो रहा था बॉस के साथ, अगर आप वक्त पे नहीं आते तो आज इस कुर्सी पे नहीं होता मैं। कम ऑन, थैंक यू, सुनने नहीं आया। तुम्हारी और मेरी कुछ आदतें मिलती जुलती सी हैं। कौन सी आदत सर? यही कि मैं भी सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में बहुत कॉन्शियस हूँ। हाँ सर, मैं जरा थोड़ा ज्यादा हूँ। अच्छा इंसान, अच्छे दिल के मालिक, आज के दौर में ऐसे सच्चे लोग नहीं मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, लेकिन इतना सब कुछ आप मेरे बारे में कैसे कह सकते हैं? बस ऐसा लगा तो बोल दी। थैंक यू। नौकरी का पहली बार का एक्सपीरियंस लग रहा है, मतलब इससे पहले कभी नौकरी नहीं की, am I right? काम तो किया है सर, कभी किसी के अंडर नहीं किया। We used to have 174 branches all over Pakistan. Public limited company थी हमारी, वो liquidation में चली गई, तो बस जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ तो करना था सर। कर ली नौकरी। एक बात कहूँ अगर बुरा ना मानो तो? प्लीज सर प्लीज। सुशांत ना प्रेजेंट के बारे में सोचो, अपने प्रेजेंट को अच्छा बनाने के बारे में सोचो। आई बिलीव इससे बड़ी पॉजिटिविटी आती है इंसान की लाइफ में। इंशाल्लाह सर। लेकिन जिशान मैं अभी भी सोच रहा हूँ तुमने बॉस को जवाब कैसे दिया, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड। मुझे ऐसा कोई दूसरा भी है जिंदगी में? कभी किसी ने मेरे साथ ऐसी बात की नहीं सर। जब उन्होंने ये सब बोला तो बस समझ आना बंद हो गया, जो मुंह में आया कह दिया सर मैंने। एक बात कहूँ आपसे? सर यकीनन आप एक अच्छे इंसान है। अच्छा वो चाय मंगाऊं सर आपके लिए? थैंक यू। पी लीजिए सर, मैं भी पी लूंगा।
रिधा बेटा थोड़ा अपनी सेहत का भी ख्याल रखो, क्या ज़रूरत पड़ी थी सारी रात पढ़ने की? मामा कल पेपर है मेरा। तो ठीक है, लेकिन मुझे अब पढ़ाई से ज़्यादा तुम्हारी सेहत की फिक्र है। वो क्यों? वो जो उस रात तुम हातिम के साथ गई थी और वाकया पेश आया ना, उसके बाद मैं बहुत घबरा गई बेटा, मेरा दिल बहुत डरने लगा है तुम्हारी तरफ से। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, मैं खुद इतना डर गई थी, वो तो फिर फार्म भाई ने मुझे समझाया और हौसला दिया। देखो बेटा, तुमने हमेशा अपने भाइयों की इज्जत का ख्याल रखना है, तुम्हारे भाई तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, उनकी मोहब्बत का मान रखना है तुमने बेटा। क्या मतलब? इधर देखो। जी मामा। मैं चाहती हूँ बेटा तुम कभी भी कोई ऐसी बात ना करो जो तुम्हारे भाइयों को अच्छी ना लगे। मैं चाहती हूँ तुम्हारे भाई हमेशा तुमसे मोहब्बत करते रहे। मामा मैं अपने भाइयों को कभी नाराज नहीं होने दूंगी, और ऐसा कभी नहीं होगा कि मेरी वजह से उनकी बेइज्जती हो या सर झुके। आई प्रॉमिस। आप क्यों इतना परेशान हो रही हैं? अल्लाह तुम्हें खुश रखे। चलो तेल लगवाओ, अपना काम करो। हफ्ते में दो बार तेल लगवाया करो, कैसे खुश्क हो रहे हैं बाल। फजीलत, आज हमने तुम्हें खास तौर पर बुलाया कि जीशान शादी के लिए मान गया है, अब तुम लड़की ढूंढना शुरू करो। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की खबर सुनाई। अब इस घर में बहू का आना बहुत जरूरी हो गया है, आपा बिल्कुल अकेली हो गई हैं, और हो सकता है उस लड़की के नसीब से आपा और जीशान की तमाम मुश्किलात दूर हो जाएं और इस घर में खुशियां आ जाएं। वो लड़की की तस्वीर तुमने दिखाई थी ना? वो उस लड़की की तो कहीं बात चल रही है, बल्कि बात पक्की होने वाली है, अगर आप कहें ना तो रुकवा दूं बात। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, तुम्हारे पास तो बहुत से रिश्ते होंगे ना, कोई अच्छी सी लड़की दिखा दो हमें। लेकिन एक बात का खास ख्याल रखना, लड़की पढ़ी लिखी हो और साथ में घरेलू भी हो। आप फिक्र ही ना करो, ढेरों लड़के हैं मेरे पास, अभी दिखाती हूँ। ये देखे, ये वाली तस्वीर है, कितनी प्यारी लड़की है। हाँ अच्छी तो है। शाबाश, भागो। भाई ये गलत है यार। क्या गलत है, ये सब सही है। Come on, that was close. सीख लोगी, सीख लोगी। ऐसे नहीं करें। I'll try. ये चीटिंग करेगी वाम भाई। अरे बेटा बस करो, जूस पी लो आकर। Trying my best. Very nice. Ooh. Oh my God, तुम सीरीना विलियम्स बनोगी। हालांकि वो टेनिस की प्लेयर थी। है ना? हार जाते हो ना हर बार, इसलिए चीटिंग तो भरपूर करते हैं आप। ये किया है आपने अमेरिका? इससे तो अच्छा चल, आ जा इधर, आ जा। Yes. मैं नहीं खेलना इस रोको के साथ। अरे यार खेल लेना। ये क्या तरीका है? ये लो चीटिंग शुरू करो तुम अपनी। क्या मैं चीटिंग करती हूँ? जी नहीं, मेरी रिदा चीटर नहीं है। ओफो, एक सेकंड, ये क्या मसला है भाई? ये चीटिंग शुरू। इससे तो अच्छा मैं बास्केटबॉल खेल लूँ। किस तरह खेल रहे हैं आप? रियली? अच्छा रुको भाई, बॉल। अरे क्या कर रहे हैं यार? ये लो। अरे अरे देख के, हमेशा मुझे दुखा देते, कोई तरीका है? डॉक्टर के चले? नहीं नहीं, बहुत जोर से लगी है, वो हॉस्पिटल लेके जाए, खून की बोतल लगवाएंगे। बहुत जोर से लगी है, उठाए उठाए उठाए। देखिए ठीक हूँ मैं। आप देख के हम? हाँ, I know, I'm a strong girl. अरे मेरा फोन, फोन बज रहा है। और रहने दो ना फोन को। चलो चलो, strong girl हूँ मैं। हाँ बहुत, हाँ हाँ हाँ। strong ठीक हो ना? बैठो। हाँ ठीक हूँ। चलो बैठ जाओ, जूस पियो। जान के मारते हैं आप मुझे? हाँ? आपको पता है मैं जान के नहीं मारता। जान के नहीं, तुम दिल से मारते हो। दिल से? जान बूझ के मारता हूँ। अरे बैठे ना मामा, आप तो बैठे हैं। कोई बात नहीं बेटा, कोई मैं नहीं खेलूंगी अब आप लोगों के साथ, गलत बात। हाँ ये लो जूस, एक और लो। नहीं बहुत है, बस बदतमीजी नहीं, थैंक यू, रख दो। आप तो बैठे हैं। हातिम आ जाओ, जूस ले लो बेटा।
अरे इसे क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे लगता है ये शमीला से तो निकालो. क्या? मैं टेलर के पास जा रही हूँ. तुमने नहीं चलना मेरे साथ. वो जो आपा ने तुम्हें शर्ट दी थी उसको ठीक नहीं करवाना तुमने? नहीं, मुझे नहीं करवानी. क्यों? नहीं पसंद मुझे वो शर्ट. क्यों ऑल्टर करवाऊं मैं? अरे वाह, उस वक्त तो तुमने आपा से कहा था कि तुम्हें बहुत पसंद आई है वो शर्ट. फहम की वजह से कह दिया था. फहम का उससे क्या ताल्लुक? अम्मी, आपको नहीं पता कि फहम अपनी फैमिली के बारे में कोई इनकार कोई एतराज नहीं सुनते. अगर उस दिन मैं ये बात खाला जान के सामने कहती कि मुझे कपड़े नहीं पसंद, तो वो ये बात फहम के कान में डाल देती. और क्या होता फिर? खामखा फहम मुझसे नाराज होते. तो इसका मतलब ये हुआ कि आपा की फैमिली को सिर्फ तुम फहम की वजह से पसंद करती हो, वरना वो लोग तुम्हें पसंद नहीं है. अरे कब तुम्हें अकल आएगी, कब तुम्हें समझ आएगी इन बातों की? क्यों समझाए मुझे कोई? सब समझी नहीं हूँ मैं अम्मा. मुझे बहुत अच्छे से पता है किसको कितनी इज्जत देनी है और किसके साथ कैसे बिहेव करना है. आप चली जाए, आपने टेलर पे जाते हैं. मुझे ही बस समझाना होता है. सभी पार्स हैं यहाँ पे मेरे अलावा. तो आ गए? अस्सलाम वालेकुम. बैठो बैठो. वालेकुम अस्सलाम. बहुत देर से आए आज. हाँ माजी, आज थक गया मैं बहुत. काम ज्यादा हो गया होगा ना? छुट्टियाँ भी तो कर ली मेरी वजह से. ओहो माजी, काम तो वाकई बहुत ज्यादा था, लेकिन आज ना जॉब जाते जाते बची मेरी. या अल्लाह, वो क्यों? बस माजी, वो माजी ऐसे जैसे कोई फरिश्ता आया और नौकरी बचा ली उसने मेरी. क्या हुआ? क्या बॉस है मुझसे वो कहने लगे कि मुझे कह रहे थे कि मैं झूठा हूँ. तो मैंने कहा अगर मैं झूठा हूँ तो फिर मुझे आपके पास काम करने की जरूरत क्या है, मैं चला जाता हूँ. तुम भी बेटा बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हो. फिर किस बच्चे ने तुम्हारा साथ दिया? तो फिर उस लड़के ने गवाही दी. उसने कहा कि भाई वाकई में इसकी वालदा बीमार है. आया था वो बाहर कहीं, हम सारों से पूछ के गया. किसी ने एक माँ की औलाद लगता है. जी माँ जी, अमेरिका से पढ़ के आया हुआ है वो लड़का. अपनी फैक्ट्री है उन लोगों की. तुम शौक के लिए नौकरी कर रहा है? देख लो, उसका अपना कारोबार है, फिर भी वो जॉब कर रहा है. मासी, बहुत दिनों बाद किसी से मिलके आज मेरे बेकरार दिल को चैन आया है. नाम क्या है उसका? हातिम. फिर तो हातिम तय हुआ. हाँ है वो. उसे घर लेकर आना किसी दिन, मैं भी उससे मिलना चाहूंगी, उसका शुक्रिया अदा करूंगी. अच्छे लोग बहुत मुश्किल से मिलते हैं आजकल. तुम भी उसकी दोस्ती को खोना मत, उसकी कदर करना. क्या बना? ज्यादा तो नहीं डरी? डरी नहीं है बहुत. नीचे आ रही है. नीचे आ रही है. अच्छा, मामा मामा मामा. ओ फाम भाई, आप मेरे साथ ऊपर चले, मेरे कमरे में कोई है. क्या क्या? मुझे तो खुद डर लगा. अरे मैं बता दूं ऊपर कमरे में. मुझे भी लग रहा है घर में कोई है, लेकिन डरना नहीं है. तुम मेरे साथ बाहर आओ. फाम भाई, आओ तो सही. सब कुछ ठीक लग रहा है ना मामा? हाँ सब ठीक है भाई. अरे भाई मेरी बात तो सुने. भाई आप अंदर चले, देखे बाकी अंदर कोई है. कुछ आप मेरी बात में चीख निकल. आप आएंगे तो आपको पता चलेगा ना. मिनट मेरी बात तो सुन लो भाई.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Ida. Happy birthday to you. Happy birthday. इतना डरा दिया मुझे. इतना बड़ा सरप्राइज पहले नहीं बता सकते थे. अरे. Happy birthday, sister. Thank you. Happy birthday. Thank you, भाई. मैं बहुत लकी हूँ, मुझे इतने अच्छे भाई मिले. अरे हम भी तो बहुत लकी हैं, हमें तुम जैसी बहन मिली. चुप. तुमने तो मना किया था कि तुम्हारे एग्जाम्स हैं, इसलिए सेलिब्रेशन नहीं होनी चाहिए. माँ आप तो बता देती कम से कम मुझे. और ये बबल इफेक्ट कैसा लगा? बहुत अच्छा है, चलो आओ. थैंक यू, इतने अच्छे लग रहे हैं बबल्स. थैंक यू भाई. काय नाइफ इधर आओ. थैंक यू भाई. कसम से आई एम सो लकी. अरे एक मिनट, ये जला तो लो. ओफो आपकी तरह इधर आसिम, तुम्हें बिना कोई तैयारी का अपॉर्चुनिटी नहीं देनी चाहिए. चलो 1 2 3 स्टार्ट. हैप्पी बर्थडे टू यू. हैप्पी बर्थडे टू यू. हैप्पी बर्थडे डियर रीता. हैप्पी बर्थडे टू. ये क्या ला है यार, कितने मजे का केक है. थैंक यू. बहुत मजे का है यार, ये देख. अल्लाह मेरे घर को, मेरे बच्चों को इसी तरह जोड़ रखे. आमीन.